मॉर्निंग बच्चों, KDRS की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में अपन ने घात और घातांक पढ़ा था, आज भी अपन घात और घातांक पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में अपन ने घात और घातांक से संबंधित नियम पढ़े थे और आज की क्लास में भी अपन घात और घातांक के मानक रूप पढ़ेंगे। घात और घातांक के मानक रूप, अब मानक रूप में आपको संख्या दी हुई है, सीधी मतलब सरल संख्या दी हुई है, जैसे 50,000, तो 50,000 को अपन को मानक रूप में बदलना है। अब जैसे 1,00,000, तो 1,00,000 को अपन को मानक रूप में बदलना है। एक तो सबसे पहले लेते हैं अपन 50,000। सबसे पहला नियम है मानक रूप में के शून्य, सबसे पहला नियम है शून्य को 10 की घातांक के रूप में लिखते हैं। तो मानक रूप यही है कि शून्य को अपन घातांक के रूप में व्यक्त करेंगे। किस रूप में? घातांक के रूप में व्यक्त करेंगे। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, अपन संख्या ली अपन ने 1,00,000। 1,00,000, अब 1,00,000 में शून्य कितनी है अपनी? 5। शून्य कितनी है? 5। तो अपन शून्य को मानक रूप में बदलेंगे। किस रूप में बदलेंगे? मानक रूप में। तो शून्य को मानक रूप में बदलेंगे तो शून्य को 10 की घात के रूप में लिखेंगे। 10 की घातांक के रूप में लिखेंगे, तो 10 की घातांक के रूप में लिखेंगे। शून्य कितनी है अपने पास? 5। तो 10 की घातांक कितनी हो जाएगी? 5। और अपन को पढ़ना कैसे है? 10 की घात 5। जो मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था कि किसी भी संख्या की जब घातांक हो तो उसको पढ़ना है की घात। संख्या की घात कितनी है? 5। तो इसमें 10 की घात कितनी है? 5। इसी तरह कोई सा भी सवाल ले लो आप, 50,000। 50,000 संख्या ले ली अपन ने 50,000। अब इसको अपन को सबसे पहले तो शून्य को मानक रूप में बदलना है। किसको? शून्य को। तो आप शून्य को मानक रूप में बदलोगे, शून्य कितनी है अपने पास? 3 और 1 4। कितनी है? 4। तो आप शून्य को मानक रूप में बदलोगे, शून्य को मानक रूप में बदलने के लिए 10 की घात के रूप में, घातांक के रूप में लिखोगे, तो 10 की घात 4। आ गया समझ में? तो अब इससे संबंधित अपन पहले नियम से संबंधित एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले नियम से संबंधित एग्जाम्पल उदाहरण, पहले नियम से संबंधित उदाहरण। तो पहला है 45,000। कितनी ली अपन ने? 45,000। अब 45,000 में शून्य को मानक रूप में बदलना है, तो शून्य को मानक रूप में बदलोगे आप तो 45,000 में 0 कितनी है? 3। 45,000 में 0 कितनी है? 3। तो आप लिखोगे 45 × 10³। ये आपका आंसर। 45,000 को मानक रूप में बदलना है। मानक रूप में सिर्फ पहले नियम से शून्य को 10 की घातांक के रूप में लिखना है, तो शून्य को 10 की घातांक के रूप में लिखना है। तो 45,000, तो 45 × 10³। अब दूसरा नियम, दहाई अंक तक की संख्या को 10 से गुणा वे भाग करते हैं। दहाई अंक तक की संख्या को 10 से गुणा वे भाग करते हैं। अब दहाई अंक तक की संख्या को 10 से गुणा वे भाग करते हैं। तो अपन ने पहला उदाहरण लिया, उदाहरण नंबर ये पहला, उदाहरण नंबर दूसरा, दूसरे नियम से संबंधित, दूसरे नियम से संबंधित इस सवाल को भी आप मानक रूप में बदल सकते हो। और अगले सवाल, अगला और ले रहा हूं मैं, 35,000। 35,000, 35,000 को मानक रूप में बदलना है। अब 35,000 को मानक रूप में बदलोगे तो दाई अंक तक की संख्या को किस से गुणा करना है? 10 से। देखो दाई अंक तक की संख्या है, अब पहले तो अपन शून्य को मानक रूप में बदलेंगे। शून्य को मानक रूप में बदलोगे तो 35 × 10³। अब अपन को 35 को भी मानक रूप में बदलना है। किसको? 35 को भी। तो 35 को आप मानक रूप में बदलोगे, 35 देखो इकाई और दाई, दाई अंक तक की संख्या है। तो दूसरा नियम है आपको दाई अंक तक की संख्या को 10 से गुणा वे भाग करते हैं। अगला स्टेप 35/10, 10 का भाग दे दिया, × 10³। अब देखो आप 10 की घात कुछ नहीं है, तो आपको जब 10 की घात नहीं दे रखी हो तो आपको क्या मानना है? 1। 10 की घात आपको नहीं दे रखी तो आपको क्या, किसी भी संख्या की, किसी भी संख्या की घात नहीं दे रखी तो आपको क्या मानना है? उसकी घात 1। तो 10 का भाग 35 में दोगे कितनी बार जाएगा? 3.5 बार। और इनटू, अब दोनों
आधार समान है, जो पिछली कक्षा में आपको नियम पढ़ाए थे मैंने, आधार समान है और घातें अलग अलग है। दोनों आधारों का क्या हो रहा है? गुणन। दोनों आधारों का क्या हो रहा है? गुणन। तो घातें जुड़ जाएंगी, तो अपन 10 की घात कितनी हो जाएगी? एक में तीन जोड़ोगे 4, ये आपका आंसर। ये दूसरे नियम का उदाहरण है। अब तीसरे नियम का, सैकड़े तक की संख्या को 100 से गुणा व भाग करते हैं। अगला उदाहरण नंबर तीन, सैकड़े तक की संख्या लेनी है आपको। सैकड़े तक की संख्या लोगे आप तो देखो, संख्या लिया अपन ने 483,000। 483,000, सबसे पहले आपको शून्य को घातांक रूप में बदलना है। शून्य को घातांक रूप में बदलना है, तो शून्य को घातांक रूप में आप बदलोगे तो देखो 483 इंटू 10 की घात 3, क्योंकि शून्य कितनी है अपनी 3, 10 की घात के रूप में बदल दिया। अब सैकड़े तक की संख्या देखो, इकाई, ढाई और सैकड़ा। दूसरा नियम, सैकड़े तक की संख्या को 10 से गुणा बे भाग करते हैं, 100 से गुणा बे भाग करते हैं, तो 483 बटे 100 इंटू 100 इंटू 10 की घात 3। अब देखो आप, 100 का आप भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 4.83। लेकिन 100 में 0 कितनी है? 2, तो इसको भी आपको 10 की घात के रूप में बदलना है, तो 10 की घात कितनी आ जाएंगी? 2 इंटू 10 की घात 3। अब देखो, पिछले नियम में भी समझाया था मैंने आपको और पिछली कक्षा में भी आपको समझाया था कि 10 आधार समान है लेकिन घातांक अलग अलग है। आधारों का क्या हो रहा है? गुणन। तो आपको घातांक जोड़ देने हैं, तो 4.83 इंटू 10 की घात 2 में 3 जोड़ोगे कितने आ जाएंगे? 5, ये आपका आंसर। और चौथा नियम है आपको, हजार तक की संख्या को 1000 से गुणा व भाग करते हैं। अब चौथे नियम का उदाहरण समझो, चौथे नियम का उदाहरण, संख्या दे दी आपको, यह संख्या दे दी। सबसे पहले तो आपको, सबसे पहले तो आपको जीरो को, शून्य को घातांक रूप में लिखना है, तो शून्य को घातांक रूप में लिखोगे, शून्य कितनी है अपने पास? 4। जीरो कितनी है? 4। तो जीरो को आप घातांक रूप में लिखोगे तो 1095 इंटू 10 की घात 4। जीरो को घातांक रूप में लिख दिया, घात के रूप में लिख दिया अपन ने। अब 1095, हजार तक की संख्या है, हजार तक की संख्या को 1000 से गुणा बे भाग करते हैं, तो 1095 में भाग दोगे आप 1000 का, इंटू 1000 इंटू 10 की घात 4। अब 1000 में शून्य, जीरो कितनी है? 3, तो इसको भी घातांक रूप में बदलना है। सबसे पहले आपको भाग देना है, 1000 का भाग दोगे तो 1.095 इंटू, इसको घातांक रूप में बदलोगे 10 की घात 3 इंटू 10 की घात 4। वही नियम आ गया आपका, आधार समान है, आधारों का गुणन हो रहा है, तो घातांक जुड़ जाएंगे। तो आधार समान है तो 1.095 इंटू 10 की घात 3, 10 की घात 4, 3 और 4 को जोड़ोगे तो 10 की घात 7, यह आपका आंसर। अब अगला समझो, जब मानक रूप में आपको संख्या दे रखी हो, मानक रूप में आपको संख्या दे रखी हो और उसको सरल रूप में बदलना है आपको, मानक रूप में आपको संख्या दे रखी हो और उसको सरल रूप में बदलना है, तो देखो, मानक रूप को सरल रूप में बदलिए। मानक रूप को किस रूप में बदलना है अपन को? सरल रूप में। तो इससे संबंधित तो पहला एग्जाम्पल, पहला उदाहरण लेंगे अपन, 2.5 इंटू 10 की घात 4।
2.5 × 10^4। अब देखो आप 2.5 × 10^4, सबसे पहले आपको दशमलव हटाना है, तो सबसे पहले आपको दशमलव हटाओगे तो 25 दशमलव हट गया, दशमलव का एक, और दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं उनकी क्या लगा दोगे आप, जीरो। तो यहां पे दशमलव के बाद अंक है एक, तो 25/10 इंटू 10^4। मैंने आपको पहले भी बताया था जब 10 की कोई घातांक नहीं दी हो तो आपको लगाना है एक, आपने लगा दिया एक तो 25। अब देखो 10^1 और 10^4, इस 10^1 को आप ऊपर ले जाओगे नहीं तो घातांक किस में आ जाएगा, माइनस में, घातांक किस में आ जाएगा, माइनस में, तो इंटू 10^-1 इंटू 10^4। अब देखो आधार तो समान है लेकिन एक घातांक माइनस किया, एक घातांक प्लस का, एक घातांक माइनस का, एक घातांक प्लस का, तो अब आपको करना है 25 × 10^-1 + 4 तो 4 में से देखो एक घटाना, अब जोड़ना नहीं है आपको, क्यों नहीं जोड़ना, क्योंकि ये घातांक किसका है, माइनस का, तो 25 × 10^3 कितनी आ जाएगी, 3, ये आपका आ जाएगा आंसर। अगला एक उदाहरण और समझ लो इससे संबंधित, दूसरा 1.75 × 10^6। सबसे पहले आपको दशमलव हटाना है, क्या हटाना है, दशमलव। अब आप दशमलव हटाओगे तो 175/ देखो दशमलव का एक, दशमलव के बाद कितने अंक है, दो अंक, तो कितनी जीरो आ जाएंगी, 2 इंटू 10^6। अब 100 है तो 100 को 10^ कितनी लिखोगे आप, 2, तो 175/10^2 इंटू 10^6, वही नियम है, इसको पक्षांतरण करना है, ऊपर ले जाना है, घातांक किसकी हो जाएगी आपकी, माइनस की, तो 175 × 10^-2 इंटू 10^6, घातांक माइनस का हो गया, तो 175 × 10^-2 + 6, 10^-2 + 6, तो 6 में से 2 घटाओगे कितने बचेंगे, 175 × 10^4। धन्यवाद।